आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वीवन न्यूज चैनल AIMIM। प्रेसिडेंट और MP हैदराबाद जनाब बैरिस्टर अवेसी साहब की हिदायत पर AIMIM कारवन MLA जनाब कौसर मोहियुद्दीन साहब ने आज एरिया कारवन टप्पा चबूतरा और भी एरिया में नसीब एतिहाद ग्रुप की जानिब से एरिया के ज़रूरतमंदों को राशन तकसीम कर रहे हैं और रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार के वक्त पका हुआ खाना तकसीम किया जा रहा है, जिसमें नाना नगर कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, कॉरपोरेटर जनाब यूसुफ साहब, कारवन एक्स कॉरपोरेटर जनाब समद वारसी साहब और पार्टी वर्कर मौजूद है। रिपोर्टर परवेज के साथ मैं समरीन फातिमा, वीवन न्यूज चैनल। आज 12 बजे नगर के इलाके के अंदर जो जिले की मशहूर शादी खाना जो नसीब फंक्शन हॉल था, उनके फर्जदान और उनके तमाम नसीब एतिहाद ग्रुप की जानिब से चांदा की शुरुआत से उसी दिन से पैकेज खाने के बना कर दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था उसके चौथे दिन या पांचवें दिन मैं समझता हूँ करीब 700 से 800 पैकेट दिए गए थे और फिर आज यहाँ पर गोशामैल काउंसिल के अंदर 11 या 12 आइटम के साथ में 150 पैकेट दिए गए, जिसके अंदर चावल दाल तेल तमाम चीज़ें 11 से 12 आइटम दिए गए। और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर फिर यूसुफ नगर के इलाके में भी 200 पैकेट देंगे। मैं इन तमाम नसीब एतिहाद ग्रुप की जानिब तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ वक़्त गोशा महल के तमाम जमात के सरगर्म कारकुन, एक्टिव वर्कर्स और सबका कारपोरेटर समझदार साहब और मौजूदा कारपोरेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब रात दिन अपने वर्कर्स को लेके अपने दत्तात्रेय हो या मंगला डिवीज़न हो या दीगर इलाके जात के अंदर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इन तमाम मेरी पार्टी के वर्कर्स का, काउंसलर्स का, सबका काउंसलर्स का, मुहिबान मजलिस का, ख़ास तौर से नसीब एतिहाद ग्रुप के तमाम नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर और बाबा झिरा बाबा के नाम से जो मशहूर है वो न्याय यहाँ पर चंदवाद कर देते, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम नौजवान नसीब एतिहाद ग्रुप के नौजवान जो रोज़ाना चांद रात से शुरू हुआ, इंशाल्लाह फिर चांद रात तक रोज़ाना 1000 से 1200 खाने के पैकेट अपने अपने घरों पर ले जाकर दे रहे हैं, उन तमाम का भी नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक मरतबा नसीब एतिहाद ग्रुप की तमाम दोस्त अहबाब का, उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।